नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसकी लिमिट कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। चाहे आपके पास SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, RBL, HDFC, यस बैंक या एक्सिस बैंक, चाहे ICIC बैंक, चाहे कोई भी बैंक का कार्ड है, अगर आप उस यूज कर रहे हो उस कार्ड को, उसकी लिमिट बहुत कम है, तो इंक्रीज करने का क्या तरीका है, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आप कार्ड अप्लाई करते हो तो कार्ड अप्लाई करते टाइम आपसे इनकम प्रूफ की डिमांड होती है, और आपके पास एक दूसरा ऑप्शन रहता है, अगर बैंक आपको प्री अप्रूव ऑफर देता है तो प्री अप्रूव में सिविल स्कोर आपका व्यवहार देख के बैंक आपको लिमिट खुद अपने तरफ से दे देता है। अगर आप सिविल स्कोर इनकम के हिसाब से अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो तो इस हाल में आपको जो कार्ड मिलता है, बैंक आपके इनकम प्रूफ और सिविल स्कोर और आपके व्यवहार के हिसाब से आपको लिमिट देता है। यहाँ पे दोस्तों, शुरू में हर बैंक आपको लिमिट कम ही देता है। जब कार्ड यूज करते हो, टाइमली पेमेंट करते हो, तो आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज होना चालू हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं, जैसे हो गया SBI बैंक। SBI बैंक एक ऐसा बैंक है, आप चाहे इसकी पूरी लिमिट यूज करो, चाहे आधा यूज करो, चाहे टाइमली पेमेंट करो, इसकी जो लिमिट है जल्दी इंक्रीज नहीं होता है। इसकी लिमिट तभी होता है अगर बैंक डिसाइड करे, या तो आप इनको सैलरी स्लिप ITR, या तो आप ऐसा उनको ऐसा कोई बैंक का प्रूफ दो जो आपका इनकम में शो करे, तो उसके बेस पे ये कर देते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है, अदर बैंक की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, प्री अप्रूव ऑफर में अगर कार्ड आते हैं तो उसकी लिमिट जो होती है वो बैंक खुद डिसाइड करता है और इंक्रीज करता रहता है। अगर आप इनकम वाले कार्ड पे अप्लाई करते हो, इनकम के ऊपर कार्ड अगर लेते हो, तो इसमें आपका जो लिमिट रहता है वो बैंक डिसाइड करता है। अगर आपका लिमिट बैंक नहीं बढ़ाता है तो बैंक आपसे डिमांड करता है कि आप मुझे इनकम प्रूफ दीजिए, ITR दीजिए, सैलरी स्लिप दीजिए, आप कुछ भी दीजिए, उसके आधार पे हम इंक्रीज कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि मेरे कार्ड की लिमिट 40,000, 50,000, 60,000 है, मुझे कम पड़ रहा है, मैं 4 साल 5 साल ओल्ड कस्टमर हूँ, तो मेरा लिमिट इंक्रीज क्यों नहीं होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जो लिमिट होती है, ये लिमिट कभी बैंक अपने तरफ से जल्दी इंक्रीज नहीं करता है। बैंक जो है, अगर आपका रिकॉर्ड, आपका व्यवहार, आपका सिटी, आपका पिन कोड, आपका एरिया, सब कुछ मायने रखता है। अगर आप बड़े सिटी से हो तो बैंक जानता है कि अगर पर्सन बड़े सिटी से है, यहाँ की डिमांड, यहाँ की पिन कोड, एरिया, यहाँ का सर्विस कैसा है, उसके आधार पर भी आपका लिमिट इंक्रीज बैंक खुद करता है। अगर दोस्तों आप किसी बैंक का कार्ड यूज करते हो और उसकी लिमिट बहुत कम है, और आप परेशान हो उसको बढ़वाने के लिए, तो बढ़वाने का ओनली 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका, बैंक अगर डिसाइड करे, बैंक अगर चाहे तो लिमिट आपका इंक्रीज कर दे, या तो आप जो है इनकम बेस के ऊपर, या ITR, या तो आप जो है सैलरी स्लिप के बेस के ऊपर आप लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हो, या तो आप पास कोई ऐसा बैंक का कार्ड हो जो आपके इस कार्ड से उसकी लिमिट अधिक हो, उसका स्टेटमेंट देकर भी आप करवा सकते हो। इसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि मैं टाइमली बिल पेमेंट करता हूँ, कार्ड को टाइमली यूज भी करता हूँ, मेरा लिमिट बढ़ जाएगा, तो इन सब मामलों में एक ही बैंक है, HDFC बैंक। HDFC बैंक में एक ऐसा खास बात है कि अगर आप कार्ड का टाइमली बिल पेमेंट करते हो, अगर आपका सिटी वाइज सब कुछ एकदम ओके है, तो आपकी जो लिमिट है ये बढ़ने की उम्मीद बहुत अधिक रहती है, और सामने से बैंक आपको लिमिट बढ़ा देता है। बट दोस्तों, SBI हो गया, और भी ऐसे कुछ बैंक हैं जो RBL हैं, ये सब आपका जल्दी लिमिट इंक्रीज नहीं करता है। एक्सिस बैंक करता है, बट थोड़ा से टाइम उसमें लगता है, बट सब मामलों में फास्ट काम करने वाला बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक अगर आप अकाउंट ओपन करवा के उसमें कुछ पैसे मेंटेन करते भी हो तो आपको ऑफ़र मिल भी जाते हैं, किसी किसी को नहीं भी मिलता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये जानकारी शेयर किया कि लिमिट बढ़वाने के 2 से 3 ऑप्शन है, या तो इनकम प्रूफ, या तो बैंक खुद डिसाइड करे आपका लिमिट बढ़ाने के लिए, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पैसा अपना जमा करके लिमिट बढ़वा लूँ, तो उसको FD कहा जाएगा, और उसके लिए आपको FD करवाना पड़ेगा, उसकी पॉलिसी अलग है, और ये जो बैंक का आपको कार्ड देता है उसकी बैंक का पैसा रहता है,
और इसे बैंक डिसाइड करता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी समझा दिया, सब कुछ आपको मैंने इस वीडियो में शेयर भी कर दिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।